नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ये सबसे पहले देखते 25 बड़ी खबरें क्विक 25। ज्ञानवापी परिसर में दोपहर 1:30 बजे से होगी जुमे की नमाज। ब्यास जी तहखाने में पूजा भी होगी। ज्ञानवापी में कानून व्यवस्था को लेकर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। ज्ञानवापी के ब्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद का किया ऐलान। ज्ञानवापी के ब्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को दिए चुनौती। ब्यास जी तहखाने में विराजमान विग्रह के दर्शन के लिए आज बढ़ सकती है श्रद्धालुओं की भीड़। 1993 के बाद कल पहली बार तहखाने में हुई पूजा। चंपाई सोरेन आज झारखंड के नए सीएम पद की लेंगे शपथ। रांची में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को सरकार बनाने का भेजा न्योता। 10 दिन में चंपाई सोरेन को साबित करना होगा बहुमत। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जमीन घोटाले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। ओटवार जेल में बंद हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर राज आएगा फैसला। ईडी पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन की 10 दिन की मांगी रिमांड। झारखंड में सियासी हलचल के बीच आज रांची में बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। प्रियंका गांधी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। का प्रतिबंधित संगठनों से हेमंत सोरेन वसूलते थे पैसे। 4000 से ज्यादा अवैध खनन के मामले आए सामने। झारखंड के सियासी घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी हर राज्य में धनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही। सीएम धामी को आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। सुबह 11 बजे यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा जाए। 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। पीएम मोदी आज दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शामिल भागीदारों को करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में कल तक चलेगा एक्सपो। दिल्ली शराब घोटाले में आज ईडी ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए किया तलब। शराब घोटाले में अब तक 5 बार समन जारी कर चुकी है ईडी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर। टीडीयू मार्ग पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 1000 जवान तैनात किए। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश का बड़ा बयान। का दक्षिण के राज्यों से पैसे लेकर उत्तर के राज्यों को दे रहा है केंद्र। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम अलग देश मांगने को मजबूर हो जाए। कांग्रेस ने डीके सुरेश के बयान से किया किनारा। कहा डीके सुरेश का बयान कांग्रेस का बयान नहीं, हम अलग देश की मांग का समर्थन नहीं करते। डीके सुरेश के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा धर्म भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश को बांटना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं। घातक हाईटेक ड्रोन से लैस होगी भारतीय सेना। अमेरिका ने करीब $4 बिलियन के MQ-9B ड्रोन की डील को दी मंजूरी। MQ-9B ड्रोन की डिलीवरी पर बोले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर, जल्द ही भारत सरकार के साथ करेंगे बातचीत। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने की भारत के अंतरिम बजट की सराहना। कहा मील का पत्थर साबित होंगे कई कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा आतंकवादी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अलकायदा और दूसरे आतंकी समूह से मिल रहा है सहयोग। आम चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी के खिलाफ कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पीटीआई के 39 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार।